वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्या, उसके पीछे पड़ गए। ज्योति मौर्या को बदनाम करने से फायदा है क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है। उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना। इस देश का आदमी सिंपैथी बटोरता है, न शक्ति है न प्रेम है। जैसे इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, इस देश की जनता को उल्टा बोलने की आदत है, मेजॉरिटी को उल्टा बोलते, उल्टा महमूद गजनी हमको लूट लिया भैया, मुसलमान था, और फिर वो मोहम्मद गौरी वो भी लूटा भैया, फिर वो तैमूर, तैमूर भी लूटा मारा भी भैया, फिर ये नादिर, नादिर तो और मारा था भैया, फिर ये अब्दाली, नहीं अब्दाली भी मारा भैया, और ये रॉबर्ट क्लाइव तुम्हारे फूफा का लड़का है, नहीं नहीं भैया वो भी मारा भैया। तुम्हारे घर में एक बार कोई कूदा तो तुम अपने घर की सुरक्षा की व्यवस्था करोगे ना। तुम्हारी आदत, इस देश के लोगों को रोने की आदत पड़ गई है, उससे सिंपैथी मिलती है, सिंपैथी। इस देश का आदमी सिंपैथी बटोरता है, उसको उल्टा बोलने की आदत है, उल्टा। इतनी बार लोग तुम्हारे घर में कूदे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए। भैया नेता करप्ट है इस देश के, और तुम वो जो एक बोतल लेके वोट देते हो, तुम्हारा क्या। इस देश की जनता को यह कष्ट है कि हमको सिर्फ एक ही बार लूटने का मौका मिलता है इलेक्शन के टाइम। इस देश की सबसे ज्यादा जनता करप्ट है, इस देश के नेता बहुत अच्छे हैं, इस देश के नौकरशाह बहुत अच्छे हैं, सबसे करप्ट है इस देश की जनता। वोटिंग के दिन 5 रुपया मांग लेती है, गुटखा खिला दो भैया। इस देश के लोगों को उल्टा बोलने की आदत, हमको विदेशी लूटे, तुम जाहिल हो। एक बार लूटता है आदमी, तार वार लगवाता अपने घर में, कटीला तार लगवाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखता है, 2-3 गन का लाइसेंस लेता है, सब घर वाले मिलजुल कर एक साथ रहते हैं कि बड़े भैया छोटे भैया में कोई झगड़ा नहीं होगा, तब तो दूसरे दिन कोई कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस दिन इस देश की जनता वोट के बदले पैसा और शराब लेना बंद कर देगी, फिर से ईमानदार नेता पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इलाहाबाद में 50 अच्छे लोग होंगे, हर समाज के अच्छे लोग होंगे, मुसलमान भी अच्छा होगा, दलित भी अच्छा होगा, ब्राह्मण भी अच्छा होगा, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने से डर रहा है। भैया ना हम दारू पिला पाएंगे, ना हमको कोई पैसा वोट देगा। अब वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्या, उसके पीछे पड़ गए। उसने नाम कमाया, एसडीएम बनी है, अब उसको बदनाम करने में बड़ा मजा। इस देश की जनता की आदत, बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। बहुत गलत किया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, पति छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। ओ, उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो, पर उल्टा नहीं करना चाहिए। नहीं, 136 पतियों ने अपनी पत्नियों के इलाहाबाद से वापस बुला लिया, उल्टा बोल रहे हैं। आदमी कमजोर है, औरत चली जाएगी, बहुत सारी औरतें छोड़ के चली गई, लेकिन चूंकि वो नाम वालियां नहीं थी, उनके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं था, उनको बदनाम करने से कोई फायदा नहीं था, तो किसी ने ट्रॉल नहीं किया। ज्योति मौर्या को बदनाम करने से फायदा है क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है। मजा बहुत आ रहा है। इस देश का आदमी उल्टा करता, उल्टा। इसी देश का आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते हुए कि पैसा क्या है, और हर जगह जाके रोता भी है। इसी देश के आदमी को मैंने देखा डायलॉग मारते हुए कि पैसा क्या है, लेकिन देने की बारी आ जाता है, भैया किडनी में बहुत दर्द हो रहा था। इस देश में जो लोग
नीडी हैं, जरूरतमंद, उनकी मदद इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जिनको जरूरत नहीं है वो भी लाइन में खड़े हैं। अभी तुम हनुमान मंदिर पे गमछा बांटना शुरू करो रिक्शे वालों को, कुछ लोग कार आगे लगा के उतर आएंगे। शुद्ध मंगतों का देश है, चाहिए सब कुछ, देना कुछ नहीं है। देने में डायलॉग बाजी, मूर्ति के सामने खड़े हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको, किसी जिंदा आदमी के सामने नहीं कह रहे हैं, पत्थर के सामने कह रहे हैं। और पत्थर अगर निकल आए और कहे अच्छा ये जो घड़ी लगाए हो आईपीएल वाली दे दो, तुरंत ये तंत्र मंत्र हो रहा है यहां पे। किसी जिंदा आदमी से कह के देखो तन मन धन सब अर्पित तुमको, कहेगा मन इतना खराब है तुम्हारा, उसको लेके हम करेंगे क्या? और तुमको डायबिटीज है, तन भी खराब है, 2-4 लाख रुपया रखे हो वही दे जाओ, धर्म परिवर्तन कर लेगा। कि फलाने मंदिर में गए थे, भगवान को पैसे क्या जरूरत है, जिसके पास सारा ब्रह्मांड है, लिफ्ट के दरवाजे में पैर लगा के खड़े रहते हैं, 5 मिनट से पैर लगा के खड़े हैं, सेंसर है, खराब हो जाएगा, अंदर जाओगे और सेंसर फेल कर गया, सीधे नीचे और फिर ऊपर। हम तो खैर इस्तेमाल ही नहीं करते। कल एक साहब मिल गया मुझे 3rd-4th floor पे, कह सीढ़ियों से क्यों जाते हैं? हमने कहा बुजुर्ग थोड़ी है तुम्हारी तरह, जो तुम मेहनत करते हो वो खाली थोड़ी जाती है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करती है, पसीना बहता है ना, मेवा खाने से ताकत आती, तो अंबानी का बेटा खाली होता, बॉडी बनी होती भयंकर, उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा है। एक तो रिक्शा वाला मजदूर, कभी इनका हाथ पकड़ के देखो, ये जो मकान वकान मजदूर बनाते हैं, कभी इनसे लड़ के देखो कुश्ती, नचा के फेंक दे, इतनी ताकत है शरीर में, वो ताकत आई कहां से? ये तो मेवा खाते नहीं, पसीना बह रहा है। जिसके पास जितनी देने की क्षमता है ना, उसी के पास पाने की भी है। समंदर को देखो, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि तुम गरीब हो कमजोर हो, ये सब बातें। कलाम साहब, जिसके पास चेतना है वो अमीर है। इस दुनिया में गरीब सिर्फ एक ही आदमी है जो पागल, जिसका दिमाग खराब है, वो गरीब। ये अजीब सी एक चीज इस देश में चलती है। और चेतना है और जवानी है। अब अलोक मौर्य है, ज्योति मौर्य के हस्बैंड, कायदे से खुद भी नहीं पढ़े होंगे बेचारे, और प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना, तुम्हारी पत्नी थी तुम उससे प्रेम करते थे, प्रेम में ही तो पढ़ाए थे, प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना, तुम्हारे मन में एक लगाव था, प्रेम था, तभी तो उसको पढ़ाए, एसडीएम बनाए, मान लेते हैं तुमने पढ़ाया, सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया। एक लड़का अपनी मां को छोड़ आया ओल्ड एज होम में, जब उसकी मां की डेथ होने लगी तो उसकी मां ने अपने बेटे को बुलाया, तो मेरा अंत समय है, मैं 10 साल ओल्ड एज होम में रही वृद्धाश्रम में, बेटा मेरा एक काम कर देना, एक फ्रिज रखवा देना, एक खाना गर्म करने वाला रखवा देना, एसी लगवा देना। उसने कहा माता जी अब क्यों? बोली बेटा यहां कभी कभी पंखा चलता नहीं और तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आओगे तो तुम भी यहीं, तुमको ठंडा खाने की आदत नहीं है बेटा। सोचो वो 10 साल वृद्धाश्रम में रही, मर रही है, मां है, लेकिन प्रेम में उसको अपने पुत्र की चिंता है कि अगर उसको यहां आना पड़े तो उसको दिक्कत ना हो। इतना बदमाशी हम लोग अपने परिवार से करते हैं, हमारे परिवार वाले FIR लिखाते हैं, दूसरे वाले लिखाते हैं। किसी मां बाप को कभी सुने FIR लिखाते हो अपने लड़का लड़की के खिलाफ? जबकि सबसे ज्यादा लोग मां बाप को परेशान करते हैं।
मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम माँ बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो, इतना कर दिया है। प्रेम में किसी को क्या बदनाम करना, और शक्ति है तो किसी को क्या बदनाम करना। इसका मतलब आपके पास दोनों नहीं है, न शक्ति है न प्रेम है। मिर्जापुर में एक आदमी ने अपनी वाइफ की शादी कराई है 10 दिन पहले, उसकी पत्नी का पड़ोस के लड़के से अफेयर था, उसने शादी करवाया पंचायत बुलाकर, 51,000 दहेज दिया। कहा जाओ खुश रहो, मेरठ में पति पत्नी, पति ने पहले पत्नी गोली मारी फिर खुद को मारा, 10 दिन पहले घटना है, शूटिंग चल रही थी 12 समाचार पे, तो वहीं बैठे हुए तो देख रहे। मेरे घर में तो टीवी है नहीं,